नमस्कार, मैं पूजा भंडारी आप सभी का मोटिवेटेड एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। हर दिन इतिहास में कुछ ना कुछ खास घटनाएं ज़रूर हुई होती है। ऐसी ही हर दिन से जुड़ी इतिहास को जानने के लिए मेरे चैनल मोटिवेटेड एजुकेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, जिससे मेरी वीडियो आप ही को सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं। आज ही के दिन 1969 में पैसे निकालने वाली मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM को पहली बार संसार के सामने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पेश किया गया था। आज ही के दिन 1573 में मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर ने अहमदाबाद के पास निर्णायक जंग जीती और गुजरात पर कब्जा किया था। अकबर को अकबर ए अंजाम, शहनशाह अकबर, महाबली शहनशाह के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना राजस्व विभाग स्थापित किया था। आज ही के दिन 1806 में भूस्खलन के कारण स्विट्जरलैंड का एक पूरा शहर तबाह हो गया था। आज ही के दिन 1898 में पहली बार मशीन गन लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था। मशीन गन एक ऐसी बंदूक है जो कि स्वचालित रूप से एक के बाद कई गोलियां कई सौ प्रति मिनट की रफ्तार से एक साथ दागी जा सकती है। आज ही के दिन 1970 में नासा ने चांद पर जाने के लिए अपने दो अपोलो मिशन को कैंसिल कर दिया था। आज ही के दिन 1970 में कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन हुआ था। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित दो चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। आज ही के दिन 2001 में विश्व में पहला हृदय रोपण करने वाली दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी हृदय विशेषज्ञ क्रिश्चियन बॉर्नॉट का साइप्रस में निधन हुआ था। उन्होंने 1967 में विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। आज ही के दिन 1999 में भारतीय तैरक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल को दो बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बनी थी। बुला चौधरी का जन्म 2 जनवरी 1970 को कलकत्ता में हुआ था। बुला चौधरी भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पांचों महाद्वीपों के सातों समुद्र तैर कर पार किए हैं और उन पर अपनी जीत हासिल की है। बुला चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें जल परी की उपाधि भी दी जा चुकी है। आज ही के दिन 2007 में अल्बानिया विश्व का पहला रासायनिक हथियार युक्त राष्ट्र बना था। आज ही के दिन 1941 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री साधना का जन्म हुआ था। साधना का नाम उनके पिता ने अपने पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा था। आज ही के दिन 1988 में भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा का जन्म हुआ था। वह दाहिने हाथ के माध्यम से तेज गेंदबाजी करते हैं। आज ही के दिन इटली और यमन में 1926 को हुए समझौते के तहत लाल सागर तट पर इटली का वर्चस्व कायम हुआ था। आज ही के दिन जापान द्वारा हार स्वीकार कर लिए जाने के बाद 1945 में 6 साल तक चला दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। लगभग 30 देशों की थल जल वायु सेना इस युद्ध में सम्मिलित थी। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। आज ही के दिन भारतीय फिल्म निर्माता पार्थो सेन गुप्ता का जन्म 1965 को हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। धन्यवाद।